हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फंटासी इन्फॉर्मर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 का फोर्थ मैच जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग में। तो यहां पे सबसे पहले बता दूं मैं राजस्थान रॉयल के बारे में जो न्यूज़ है वो है कि जोस बटलर और बेन स्टोक जो कि मेन प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल के वो नहीं खेलेंगे, कन्फर्म न्यूज़ है। वहीं एक और न्यूज़ आ रही है तो स्टीवन स्मिथ के बारे में, वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे आपको वीडियो के बीच में ही पता चल जाएगा। और चेन्नई सुपर किंग के बारे में आपको पता चल जाए चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। और यहाँ पे बात कर सबसे पहले पिच के बारे में, ये मैच होने वाला है शारजा में जो कि पिच है सबसे अलग, यानी कि बाकी दो स्टेडियम में दो पिच मैचेस हुए हैं अभी, तीन मैचेस हुए हैं वो उससे ये हट के होने वाली पिच। ये हाई स्कोरिंग पिच है और वो बॉलर फ्रेंडली थी, ये बैट्समैन फ्रेंडली होने वाली। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी बात करें चेन्नई सुपर किंग का तो कन्फर्म है कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। वहीं बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल के, तो यहाँ पर चेंजेस है क्योंकि फर्स्ट मैच होने वाला है तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो मेरी जो फाइनल टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या फिर इसी जो चैनल केज कम्युनिटी वाले वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल मेरे साथ ज्वाइन कर लो। अब बात करें यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन की, जोस बटलर नहीं खेले, 71% लोगों ने सिलेक्ट किया लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खेले, ये कन्फर्म न्यूज़ है क्वारंटीन और पर्सनल रीजन की वजह से। वही एम एस धोनी दोस्तों डेफिनेटली इस मैच में खेलते हुए दिखा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों संजू सैमसन को लिया है 38% लोगों ने, और जो कि ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इन प्लेस ऑफ जोस बटलर, ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर। वहीं बात करें जगदीशन की और ए रावत, ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। वहीं दोस्तों इन दोनों में अगर आपने एम एस धोनी को लेना चाहते हो एम एस धोनी ले सकते हो, और संजू सैमसन को लेना चाहते हो संजू सैमसन ले सकते हो। लेकिन एम एस धोनी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की बात ये है कि ये खेलने आएंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एम एस धोनी के साथ आओ, लेकिन बैटिंग चाहिए आपको, बैटिंग करने आएगा संजू सैमसन की बैटिंग डेफिनेटली आएंगी। और एम एस धोनी की बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी ये कन्फर्म बिल्कुल नहीं है क्योंकि जैसे पिछले मैच में हुआ था। वही बात है बैटिंग सेक्शन में, दोस्तों शेन वॉटसन खेलेंगे, स्टीवन स्मिथ दोस्तों इस मैच में डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि अगर बात करो स्टीवन स्मिथ क्वारंटाइन हो गए थे और आके खेले, और जो इनके हेड कोच है उन्होंने आके बोला है कि स्टीवन स्मिथ फिट है और ये मैच खेलेंगे। वहीं अंबाई तुराइट ने पहले मैच की बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 71 रन बनाए थे और ये आपको फोर्थ नंबर पे ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें फाफ डुप्लेसिस और राइडू, ये दोनों खेलेंगे, फाफ डुप्लेसिस भी आपको तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। पहले मैच में 58 रन इन्होंने बनाए थे। वही दोस्तों रविन उथप्पा को मैंने इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जब खेल रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस थी, तो इस मैच में भी मैंने रविन उथप्पा को लिया क्योंकि ये एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। वहीं दोस्तों जॉन शेन वॉटसन को लेता हूँ तो डेफिनेट अपनी टीम में ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हर प्लेयर को नहीं ले सकते। मुरली विजय दोस्तों, मुरली विजय भी इस मैच में आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे शेन वॉटसन के साथ। हो सकता है यहाँ पे चेंजेस हो कि फाफ डुप्लेसिस को वॉटसन के साथ ओपनिंग करने भेजा जाए और मुरली विजय को यह तीसरे नंबर पर या फिर चौथे नंबर पर बैटिंग करें, लेकिन मुरली विजय को जहाँ तक है कि ये ओपनिंग करने के लिए ही भेजेंगे। वही बात दोस्तों केदार यादव की, मैंने केदार यादव को पहले मैच में लिया था लेकिन केदार यादव की बैटिंग जब आ रही थी उन्होंने सैम किरण को भेज दिया, जडेजा को भेज दिया और केदार यादव की बैटिंग ही नहीं है, तो मैं थोड़ा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहूँगा केदार यादव को अपनी टीम में सिलेक्ट करके, क्योंकि नहीं पता कि इनकी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि पोजिशन इनकी बदल, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर में खेलते ही रहेंगे। यही बात करते डेविड मिलर की, तो ये आपको राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। इनकी बैटिंग पोजिशन की दोस्तों बात करें तो ये आपको तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, प्रोबेबली इनकी बैटिंग है दोस्तों चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हो। वही बात करते हो तो ऋतुराज गायकवाड़ की इस मैच में नहीं खेले, मनन बोरा दोस्तों आपको इस मैच में खेलते हुए दिखा देंगे, ये इस मैच में आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, रोबिन उथप्पा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अभी बात करते हो यशस्वी जायसवाल जो कि डेफिनेटली इस मैच में खेलेंगे राजस्थान रॉयल की तरफ से, बहुत ही अंडर 19 में मैच खेल चुके हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली है अगर हिंदी में बात करें तो शुद्ध। यही बात करो तो ए जोशी का इस मैच में थोड़ा मुश्किल, लेकिन ए जैसे भी सर डेफिनेटली इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करो तो ओल्डन सकते हैं तो बेन स्टोक नहीं खेलेंगे, इसको मत जाना। वहीं डेन बरव के बारे में बात करो तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि इनका खेलना तय है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक चॉइस है कि मुश्किल है इस मैच में इनका खेलना डेन ब्रेवो का। अब क्योंकि जगह बचे दोस्त यहाँ पे पीयूष चावला ने पिछले मैच में विकेट लिया था, दीपक चाय ने भी खेले लुंगी नगरी में, तो इनको किस प्लेस पे खिलाया जाए, क्योंकि सैम किरण ने भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से लिया था, तो थोड़ी चांसेस कम है कि डेन ब्रेवो को इस मैच में खिलाया जा सकता, इनको रेस्ट दिया जा सकता। वही बात करें रविंद्र जडेजा जो कि सीएसके की तरफ से डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखा देंगे, बैटिंग में भी बैटिंग दोस्तों रविंद्र जडेजा की बात करें तो जब धोनी इनको सैम किरण से पहले भेजा, इनको
किधर ज़्यादा से पहले ताकि जल्दी आए, रन बनाएं कम बॉलों में, और इन्होंने बना के दिया और इन्होंने दो विकेट भी लिया। तो रविंद्र जडेजा के साथ डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगा। और यही बात कर मिचेल सेंटर की, तो इस मैच में थोड़ा इनका खेलना थोड़ा मुश्किल है। सैम ग्रीन इस मैच में डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यही बात कर राहुल तेवतिया की, तो इस मैच में राहुल तेवतिया, एम लोमर, आर पराग, तो यहाँ पर इन तीनों में से, और ये चौथा तो एस सिंह, तो थोड़ा मुश्किल है इस मैच में खेलना। इनमें से आपको एम लोमर और आर पराग इस मैच में खेलते हुए दिखा, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस के साथ जाएगी तो राहुल तेवतिया को अपनी टीम में लेना चाहेगी, राजस्थान रॉयल की टीम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक नाम पराग, आर पराग इस मैच में आपको डेफिनेटली खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे दोनों में से एक चॉइस होगा, एक्सपीरियंस से जाना है तो राहुल तेवतिया को लेंगे, लेकिन अगर यंगस्टर के साथ जाना है तो एम लोमर को ले सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे इस कम्युनिटी बारे में और चैनल टेलीग्राम चैनल में मैं टीम डाल दूंगा जो फाइनल टीम होगी। वही बात हो रही है इमरान ताहिर का, तो इमरान ताहिर का भी इस मैच में खेलना मुश्किल है, क्योंकि इमरान ताहिर को अगर खिलाया भी जाता है तो इन प्लेस ऑफ पीयूष चावला ही इस मैच में खिलाया जा सकता है रिप्लेस करके। लेकिन पीयूष चावला ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, विकेट निकाल के दिया, इस मैच में थोड़ा मुश्किल है इमरान ताहिर का। लेकिन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली मैं इमरान ताहिर को अपनी टीम में लेना चाहूँगा, लेकिन ये बैट्समैन पिच होने वाले, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो पिछले दो तीन मैचेस हुए जिन पिचों पे वो बॉलिंग फ्रेंडली हुई थी और वो स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद था। जितने भी मैचेस हुए थे पहले वो स्पिनर्स के लिए, स्पिनर विकेट लेते, लेकिन अभी आईपीएल में कि जो स्पिनर से ज़्यादा पेसर्स ने विकेट लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, कुछ भी हो सकता है। पीयूष चावला लेना चाहते तो पीयूष चावला ले सकते हैं। जोस हेजलवुड, दोस्तों जोस हेजलवुड खेलना इस मैच में थोड़ा मुश्किल है, तो इस मैच में नहीं खेलेंगे। दीपक चहर इस मैच में डेफिनेट खेलेंगे। साधु ठाकुर भी दोस्तों इस मैच में नहीं खेलेंगे। वही बात करें लुंगी नगरी इस मैच में खेलेंगे, पिछले मैच में हीरो रहे थे, तीन विकेट उन्होंने झटका था। जयदेव उनाद का दोस्तों अगर बात करें राजस्थान रॉयल की, तो इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं जयदेव उनाद का दोस्तों सियाज की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो इनको पता है कि कौन कैसी बैटिंग करता है, थोड़ा फायदेमंद है, तो राजस्थान रॉयल खिलाएगी। एंड उठाए दोस्तों खेलते हुए आपको नजर आएंगे। श्रेयस गोयल भी खेलेंगे इस मैच में, लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन बैटिंग पोजिशन की बात करें आपको पाँचवें थर्ड नंबर पर श्रेयस गोयल बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। टॉम कुरन की बात करें तो परफॉर्मेंस का बहुत बढ़िया रहा था, अगर बात करें पिछला जो सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था सैम कुरन का भी। और इस मैच में अगर खिलाया जाता है तो थोड़ा एक चांसेस होगी, क्योंकि हम फोर जो कि राजस्थान वाले हर टीम आईपीएल की, वो चार ही फोर रीजनल प्लेयर खिला सकते हैं। वही बात करें तो यहाँ पे करण शर्मा जो कि सीएसके की तरफ से बहुत समय से जुड़े, लेकिन मौका नहीं मिला, तो इस मैच में मौका नहीं मिलेगा। आर किसरो के केआरसी, वरुण आरोन का थोड़ा इस मैच में खेला थोड़ा मुश्किल है। ए राकुल दत्तो और ओ सेंट थॉमस, इस मैच में ओ सेंट थॉमस को मौका मिल सकता है अगर वो एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाना चाहे तो। के तागिया, एम मार्कंडे, मयंक मार्कंडे दोस्तों मौका मिला था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। मोंटू सिंह और ए सिंह को अभी तक इस मैच में मौका नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों कैप्टन मैं फाइव डुली प्लेसिस के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन में स्टीवन स्मिथ के साथ। यहाँ पे चेंजेस करना चाहते डेफिनेटली आप चेंजेस कर सकते हो, रविंद्र जडेजा के साथ जा सकते हो, भाई रेडू के साथ जा सकते हो, या फिर डू प्लेसिस के साथ जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है किस पे जाना है, लेकिन ये मेरी टीम रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो से जो टीम बनाते हो इसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह होती है, कोई राजस्थान रॉयल का पहला मैच तो चेंजेस वगैरह हो सकती है, और इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी बारे में और टेलीग्राम चैनल के मैं पोस्ट कर दूंगा आखिरी जो टीम होगी अगर चेंजेस होती है तो, नहीं होती तो ये सेम टीम रहेगी। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, थैंक सो मच।